महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिग्घा घाट के पास और आप नज़ारा देख सकते हैं। गंगा के किनारे लोग आज चूँकि नहाए खाए है, यानी एक परंपरा की शुरुआत हो जाती है, छठ की शुरुआत हो जाती है आज से। और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इसके बाद घर में पूजा होगी, गंगा जल लोग घर पर लेकर जाते हैं और इसके साथ ही छठ महापर्व छठ की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद कल खरना है, यानी खरना के बाद लोग शाम के अर्घ और सुबह के अर्घ की शुरुआत होती है, ये पूजा की जाती है। आपको मैं तस्वीर के ज़रिए दिखा दूंगा, दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से यहां व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग है, ये पूरा पटना शहर में गंगा किनारे जितने भी घाट हैं, तकरीबन 100 से ऊपर के घाट, पूरे घाटों का की तैयारी कर ली गई है, घाटों का निर्माण कर लिया गया है और बैरिकेडिंग प्रॉपर की गई है। वाटर लेवल को देख कर बैरिकेडिंग की गई है। लोग यहाँ आ रहे हैं, आज नहाए खाए हैं। गंगा में स्नान का खास महत्व है और उस महत्व को देखते हुए दूर दराज से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। और आपको तस्वीर के ज़रिए मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की भीड़ यहाँ आपको देखने को मिलेगी। दूर दराज से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और आज गंगा जी में नहाने का खास महत्व है, क्योंकि महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है और नहाए खाए आज है, तो लोग गंगा माता का दर्शन करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और स्नान के बाद गंगा जल, आप देखिए तस्वीर के ज़रिए, गंगा जल लेकर लोग अपने घर जाते हैं और उसी गंगा जल से प्रसाद का भी निर्माण किया जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा इतनी समृद्ध है कि हर वो पर्व जो उस सीज़न में मनाया जाता है, कहीं ना कहीं साइंटिफिकली उसको लेटर ऑन उसको प्रूव किया जाता है। महापर्व छठ भी इसी तरह का एक पर्व है। गुनगुनी धूप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस पर्व महापर्व छठ की शुरुआत नहाए खाए से कर रहे हैं। पटना के अलग अलग घाटों पर कुछ इसी तरह का नज़ारा है और लोग अपने घर गंगा जल लेके जाते हैं जिससे प्रसाद बनाया जाता है। महापर्व छठ के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इस पर्व में, ये दुनिया का इकलौता ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उसका खास महत्व है। लेकिन महत्व तो इस बात का भी है कि पटना के गंगा घाट पर छठ मनाने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत सारे NRIs भी आते हैं, विदेश से भी लोग छठ मनाने पटना पहुंचते हैं और पटना में छठ मनाने का खास महत्व है, एक अलग रौनक दिखती है। और शायद यही वजह है कि प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। इस बार 100 से ज़्यादा घाटों पर छठ पर्व लोग मनाएंगे और कई घाटों पर टेंट हाउस भी बनाया गया है, क्योंकि ऐसी भी परंपरा है कि लोग छठ मनाने दूर दराज से आते हैं और लोग गंगा घाट के किनारे ही रहते हैं 4 दिन, और इसके लिए भी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है। क्राइसिस को लेकर SDRF NDRF पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको मैं ये तस्वीर के ज़रिए दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, इसके आगे लोग नहीं जा सकते हैं। आपको गंगा मैया के निर्मल पानी को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये इस पानी का एक खास महत्व है। महापर्व छठ में गंगा का खास महत्व है। और क्या आज नहाए खाए के दिन क्या क्या तैयारी है, गंगा जल ले जाएंगी? जी हाँ, हम आए हैं गंगा जल लेने। गंगा जल से ही हम लोग का पूजा प्रसादी बनेगा। आज कद्दू भात है, आज शुभारम्भ होता है, आज ही से ही नहाना और इसी से प्रसाद बनता है। हाँ जी हाँ, गंगा जल का यूज होता है, गंगा जल डालकर कद्दू भात का तैयारी होता है, खाना बनता है, बहुत श्रद्धा है। जी बिल्कुल। और ये मिट्टी का क्या महत्व है, ये मिट्टी का क्या महत्व है? मिट्टी बहुत महत्व है, हम लोग तो बचपन से मिट्टी से नहाए हैं। साबुन को शुद्ध नहीं माना जाता, गंगा जी के मिट्टी से ही शुद्ध माना जाता है। शुद्ध इसी को हमारी माँ भी कहती थी। शैम्पू में तो बहुत चीज़ मिला हुआ रहता है, अंडा उंडा, लेकिन कहता है गंगा जी की मिट्टी से ही बाल धोया जाता है। जी बिल्कुल, गंगा जी की मिट्टी से, इस मिट्टी का खास महत्व है, मान्यता है, परंपरा है। जो छठ मना रहे हैं, इनकी माँ, इनकी नानी, इनकी दादी, यानी इनके जनरेशन से
हम लोगों का कई एक जनरेशन से जो लोक परंपरा है छठ की, उसमें ये खास बात होती है कि गंगा जी में स्नान के दौरान उस मिट्टी को अपने शरीर में लगाया जाता है, बाल में लगाया जाता है, और कहा यह जाता है जो महिलाएं हैं मानती है कि शैम्पू से भी बहुत बेहतर होता है और ये जीवनदायिनी है। इस जीवनदायिनी गंगा के पानी में लोग आज नहाए खाए का की पूजा की शुरुआत कर रहे हैं, महापर्व छठ का, जो अपने आप में अहम है। और तस्वीर के ज़रिए जैसा मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से लोग यहाँ नहाए खाए के बाद गंगा जल अपने घर ले जा रहे हैं और महापर्व छठ की शुरुआत कर चुके हैं। दर्श न्यूज़ के तमाम दर्शकों को महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और छठ महापर्व छठ के हर एक रंग को दर्श न्यूज़ के सभी संवाददाता अपने तमाम दर्शकों तक हर रंग को पहुंचाएंगे। महापर्व छठ की शुभकामनाएं देते हुए मैं शक्ति प्रकाश दीघा घाट से, दर्श न्यूज़ पटना।